आगरा यानी ताजमहल। लेकिन आगरा का मतलब सिर्फ ताजमहल नहीं है, न सिर्फ रस भरा पेठा। आगरा जूते के कारोबार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन आगरा की ये गलियां जो जूते के कारोबार के लिए पूरे भारत में जानी जाती थी, उन गलियों में पहले से ही छाया अंधेरा अब और घना होने लगा है। छोटे व्यापारी तो बहुत ही नीचे चला गया, खत्म हो गया इन नोटबंदी से। तो जो माल वाले सर और माल वाले हो जा रहा, जो गरीब और गरीब होता जा रहा सर, तरक्की कहीं नहीं सर। वाकई गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर। ये नोटबंदी, ये GST सब छोटे कारोबारियों, छोटे दुकानदारों के लिए तबाही लेकर आई है। पहले ये था सस्ता माहौल था, अब इस टाइम महंगाई इतनी है, चरम से ज्यादा हो रही है महंगाई। ऐसा ना, चोरी बारे तो अब भी कर रहे हैं ये, तो बेकार के मजदूर छोटे लोगों पे लगा दीजिए GST, इनके GST कुछ बनता ही नहीं GST के मामले में। ऑर्गेनाइज तो खत्म होगा ही होगा, बहुत ना के बराबर रह जाएगा, ऑर्गेनाइज ही सरवाइव कर पाएगा। अगर शायद मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी घरवाली को बचा जाता। GST के अंदर जूते को दो टैक्स स्लैब में रखा गया है। 500 रुपए के नीचे के जूते चप्पल 5% के टैक्स स्लैब में और बाकी 18% के टैक्स स्लैब में। इससे पहले यह उद्योग 9-12% इनडायरेक्ट टैक्स देता था। सैंपल फर्मा बनवाएंगे लकड़ी का, ठीक है, फर्मा बनवाने के बाद में पैटर्न कटवाएंगे मिस्त्री से, पैटर्न कटवाने के बाद में घर से फॉर्म लाएंगे, फॉर्म लाने के बाद में कटिंग हुई। एक काम हुआ, सबसे पहले कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद में अपर बनता है, अपर बनने के बाद में बॉटम होती है, बॉटम होने के बाद पेस्टिंग होती है, पेस्टिंग होने के बाद में फिनिश होती है। इसके 7 काम है इसके अंदर। पर जी का परेशानी उठा रहे हैं जब से नोटबंदी GST का मतलब जो स्कीम लग ली है, जब से परेशानी उठा रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तो हमें तो परेशानी छाती रही है, और हम पहले सामान को अच्छा लाते थे 1000-2000 का, अब जब से नोटबंदी के चक्कर में परेशानी, कभी GST लगा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी नोट बंद ले जा रहे हैं, तो ये परेशानी छाती रही है। तो इस वजह से हमारा काम और दब गया, और इस वजह से हमें बस और मजदूर में फिरते चले जा रहे हैं, मजदूरी में अपनी में। ऐसा नहीं है कि आगे के लिए विकास हो जाए हमारा और कुछ हमारा धंधा पानी में अच्छा हो, जब से सरकार आई है तो हमारा काम धंधा बहुत बेकार हो गया। जूते के कारोबार पर GST की मार इसलिए अधिक बढ़ी है क्योंकि जूते के कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में GST की दर अधिक है और तैयार माल पर कम। सर ये है कि ये व्यापार है वो बड़ा ठप हो गया सर, कोई लेवल नहीं है। जिस हिसाब से सरकार ने टैक्स लगा दिया उस हिसाब से सरकार ने हमारे कोई फायदा नहीं सर। ये हम 100 रुपए की जोड़ी बनाते हैं, उस पर क्या टैक्स दें? 5 रुपए पे तो हम खुद काम करते हैं, उसमें फिर सरकार को देंगे हम क्या करेंगे भाई? सरकार ने तो टैक्स ऑलरेडी 1 टाइम टैक्स कर दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, या हमारी तरफा लगा दीजिए, या सारा मटेरियल आता है, 6-7 मटेरियल आते हैं उन पर पहले ही टैक्स लगा हुआ है, तो वो जो जोड़ी 100 रुपए की पड़ती थी वो सारा मुनाफा हमारा जा रहा है, सामने वाला लेता नहीं है बढ़ा के, विदाउट बिल मांगता है, कहाँ से दे? तो इसी चक्कर में सर काम तो बिल्कुल ठप हो गया सर। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, जब तो हम खूब खा लेते थे फैल फूल के, अब इतनी महंगाई हो गई है, थैला भर के लोट ले जाओ और सामान मुट्ठी भर लेकर आओ, ये महंगाई हो गई है स्थिति इसकी। इस टाइम भूखे कगार पे मजदूर आदमी इतनी आत्महत्या कर रहा है, लोन तलक ले लिए, लोन भी नहीं चुकता है आदमी का, किस्तें ले लेते हैं बोरे आदमी से, उसकी भी पेमेंट नहीं निकल पाती है, मार जूता आता है वो लड़ता है, मार मार के नहीं है चले जाते हैं। जैसे कम से कम 200-150 रुपये बना लेते हैं, 50-100 रुपये हमें मिल जाते हैं मजदूरी का, बस दिन भर में इतना ही हमारा कारोबार है, और बाजार से सामान लाया और बाजार में हमने बेच दिया, इतना ही होता है। आपको मालूम है कि जूता बनाने में कितनी मेहनत और कितने लोग लगते हैं? मजदूर आदमी हूँ सर मैं, हम जूते के सवेरे 8 बजे आते हैं और 200-250 रुपये कमाते हैं हफ्ते रोज के, उसमें गुजर बसर होती नहीं है, 4 बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना है, सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, वहाँ पढ़ाई शिक्षा नहीं मिल पाती है, फिर हमारे बच्चे ही हमारे जूते की लाइन में आ जाते हैं खाने पीने के लिए, खुद छोटा मोटा सा ये सस्ता वस्ता सादा बनता है इसमें से खा लेते हैं, ऐसे ही गुजर बसर हो रही है, कोई प्रॉफिट होता नहीं है हमें, इतना लाभ मिलता नहीं है सर। ये इंडस्ट्री है सर, ये 1 हैंडमेड काम है सर, एक आदमी के हाथ से तो काम होता नहीं है सर, इसमें लगभग एक जोड़ी को बनाने के लिए सर कम से कम 6-7 आदमी लगते हैं सर। पहले इसका कच्चा मटेरियल आता है, फिर कटिंग होती है सर, उसकी फिर कटिंग के बाद फिटर होती है, बॉटम होती है, पेस्टिंग होती है सर,
पैकिंग होती है, एंड में जाके पास होके जब जाके रखा जाता है, फिर उसके बाद सैंपलिंग करी जाती है सर। इतनी मेहनत के बाद भी छोटे कारोबारी या कारीगर मजदूर के हाथ में कुछ नहीं आता। समस्या यही है कि मजदूर पूरी पैसे धंधा पानी नहीं मिलता है तो आदमी परेशान रहता है, तो इस वजह से घर का विकास नहीं कर पाता है और बच्चे पढ़ने लिख नहीं पाते हैं, और इसी वजह से हम मकान भी ऐसा खूबसूरत नहीं बना सकते हैं क्योंकि मजदूर हैं। मैं कम से कम 18 घंटे करने के बाद में मुझे इतनी मजदूरी नहीं मिलती जो परिवार का मैं अपने का पालन पोषण कर सकूं। इतना ही है कि बस एक वक्त कमा लेता हूँ, दूसरे वक्त के लाले पड़ जाती हैं मुझे। फैक्ट्री मालिक जो भी मेहनत हमसे कराते हैं 30 रुपए के काम के हमको मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए, और जब से ये जूते का काम हमारे चमड़े का जो बंद हुआ है, गाय की ये की चला रही हैं जो बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, इसने तो बिल्कुल चौपट कर दिया मजदूरों को। कोई रोटी नहीं है, कोई रोजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रही सही कसर बढ़ते ऑनलाइन कारोबार ने पूरी कर दी है, जिससे छोटे कारोबारी की कमर ही टूट गई है। धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज खत्म होता जाएगा, ऑर्गेनाइज ही रह जाएगा, क्योंकि तो ग्रुप आ गए ना। अब देखिए कितने ग्रुप आ गए, कितने ऑनलाइन परचेजेस हो गए, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज होता जा रहा है ना। गाय को लेकर चल रही उग्र राजनीति ने भी इस धंधे को बहुत प्रभावित किया है। मृत गायों के चमड़े को लेकर भी ऊना जैसा कांड हुआ, जिसने इस कारोबार को और पीछे धकेल दिया है। अब है क्या, इस इंडस्ट्री में ज्यादा मुस्लिम लोग लगे हुए हैं क्योंकि स्लॉटरिंग के वाले काम में, क्योंकि हिंदू लोग कम इस काम को करते हैं, तो मुस्लिम लोग ज्यादा लगे हुए हैं। गवर्नमेंट हिंदू वाली आ गई तो अब मिसयूज होता है, मिसयूज होने लग गया। जो आप देखते हैं अभी न्यूज पढ़ते हैं कि भीड़ ने उसको मार दिया, शक में मार दिया। कुल मिलाकर यहाँ का जूता कारोबारी और कारीगर मजदूर हर कोई परेशान है, न ठीक से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पा रहा है, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं। कल परसों ही मेरी घर से खत्म हुई है, एक्सपायर हुई है। अगर शायद मेरे पास पैसा होता तो उनको अटैक नहीं पड़ता, और शायद मैं पैसा होता मेरे पास तो मैं उनका इलाज भी करा सकता था। जूते के काम में सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि 6 महीने काम होते हैं, 6 महीने के बाद में बेगारी होती है, क्योंकि काम धंधा होता नहीं है। और आए दिन कभी खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि लाइट का खर्चा देना पड़ता आदमी को, वो कैसे कर रहा है वो ही जाने। कुल मिलाकर ये उस आगरा और उसके बाशिंदों का हाल है जिसके लिए कभी नजीर अकबर आबादी ने कहा था कि रखता है गो कदीम से बुनियाद आगरा, अकबर के नाम से हुआ आबाद आगरा। शद्दाद जर लगा ना बनाता बहिश्त को, गर जानता कि होवेगा आबाद आगरा। लेकिन अब वो बात नहीं रही, शायद नजीर इसे पहले ही पहचान गए थे, तभी तो उन्होंने कहा था यकबारगी तो अब मुझे या रब तू फिर बसा, करता है अब खुदा से ये फरियाद आगरा।